देखिए आज की ताज़ा खबर। सलमान खान की गिनती बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में होती है और इस वक्त हर कोई सलमान की अगली फिल्म टाइगर जिंदा है पर नजर टिकाए बैठा है। वेल, इस फिल्म के ट्रेलर और गाने को मिले धुआंधार रिस्पॉन्स से ही सलमान खान के लिए फैंस के दिलों में क्रेज का अंदाज लगाया जा सकता है। लेकिन बता दें, इस फिल्म से सलमान ने एक और नया रिकॉर्ड कायम किया है। जी हाँ, टाइगर जिंदा है के लिए भारी भरकम फीस लेकर सलमान बन गए हैं बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर। बता दें, फिल्म सुल्तान के लिए जब सलमान ने 80 करोड़ की फीस ली थी तब सभी को लगा था कि शायद आमिर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से इससे दुगनी फीस लेकर सलमान को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन इससे पहले कि आमिर कुछ और कर पाते, सलमान ने टाइगर जिंदा है के लिए 125 करोड़ की फीस और प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा लेकर बन गए हैं बॉलीवुड के इतिहास में हाईएस्ट पेड एक्टर। तो दोस्तों, इस बारे में आप अपनी राय और सुझाव हमें जरूर बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई और जूही के साथ बने रहें। बॉलीवुड रैपर रफ्तार के गानों में एक देसी स्वैग होता है और अब स्वैग से सभी का स्वागत करने के बाद टाइगर जिंदा है के मेकर्स एक बार फिर देसी स्वैग से तूफान खड़ा करने के लिए हैं तैयार। जी हाँ, सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार टाइगर जिंदा है से दूसरा गाना जल्द ही इंटरनेट पर दस्तक देने वाला है, जहां टाइगर के दहाड़ के साथ साथ होगा रफ्तार का देसी स्वैग। जब से टाइगर जिंदा है के साथ रफ्तार का नाम जुड़ा है, तभी से हर कोई इस इंतजार में बैठा था कि शायद स्वैग से करेंगे सबका स्वागत में इस देसी रैप स्टार का तड़का होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इस गाने में विशाल ददलानी की आवाज के साथ साथ सलमान का स्वैग था, इसीलिए अब इस फिल्म से दूसरे गाने में होगा सलमान और रफ्तार का धमाका। बात करते हैं इस फिल्म की, तो डायरेक्टर अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी ये स्पाई थ्रिलर इस साल रिलीज होने वाली बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है, जहां सलमान और कटरीना सुपर स्पाइस के किरदार में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें जरूर बताएं और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बॉलीवुड स्पाई के लिए मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान। टाइगर जिंदा है के धमाकेदार ट्रेलर और फर्स्ट हिप हॉप नंबर स्वैग से स्वागत के सुपर सक्सेस के बाद अब बारी है इस फिल्म के फर्स्ट रोमांटिक ट्रैक की, दिल दिया गल्ला की। अब ये तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि जब से इस गाने की शूटिंग शुरू हुई थी बस तभी से ये रोमांटिक ट्रैक सुर्खियों में बना हुआ है और अब बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब हम खुद इस मैजिकल गाने को सुन पाएंगे और टाइगर और जोया की सुपरहिट जोड़ी को देख पाएंगे। आपको बता दें, ये गाना जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल द्वारा गाया गया है और ये गाना बेहद ही जेंटल और सोलफुल है। इसकी शूटिंग ऑस्ट्रिया के खूबसूरत लोकेशंस में की गई है। तो दोस्तों, क्या आप भी बेहद एक्साइटेड हैं टाइगर और जोया को दिल दिया गल्ला में देखने के लिए? हमें अपने विचार और एक्सपेक्टेशंस नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताइए। अपने धुआंधार ट्रेलर से सभी के होश उड़ाने के बाद अब टाइगर जिंदा है से पहला गाना स्वैग से करेंगे सबका स्वागत ने तो जैसे इंटरनेट पर अफरा तफरी ही मचा दी। वेल, दो यूट्यूब चैनल्स यशराज फिल्म्स और यशराज म्यूजिक पर रिलीज किए गए इस गाने को दर्शकों ने बेशुमार प्यार के साथ मंगलवार को स्वागत किया था, जिसके बाद से इस गाने को दोनों चैनल्स मिलाकर 15 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज और 400,000 लाइक्स मिले हैं। लगता है टाइगर के फैंस उनके स्वैग पर पूरी तरह से दिल हार बैठे हैं और तभी तो स्वैग से करेंगे सबका स्वागत अपने स्वैग के साथ सभी का दिल जीत रहा है। बात करते हैं इस फिल्म की, अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित ये स्पाई थ्रिलर इस साल क्रिसमस यानी 22 दिसंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है, जहां सलमान और कटरीना सुपर स्पाइस के किरदार में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी मसालेदार फिल्मी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई। पद्मावती की वजह से सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है और अक्षय कुमार की भी अपकमिंग सोशल सागा पैडमैन फंसी मुश्किलों में। जी हाँ,
हाल ही में पद्मावती के मेकर से नाराज होकर CBFC ने एक नया नियम लागू किया था, जिसके तहत किसी भी फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेशन दिलवाने के लिए उसे कम से कम 68 दिन पहले सेंसर बोर्ड के पास सबमिट करना होगा। लेकिन 68 दिन पहले फिल्म को सबमिट करने के लिए 68 दिन पहले तैयार भी तो होना चाहिए। और इसी के कारण अब अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म बैटमैन के लिए नया रिलीज डेट ढूंढ रहे हैं। बता दे, अक्षय कतई टाइगर जिंदा है से बॉक्स ऑफिस पर टकराने के मूड में नहीं है, और उसी कारण वो अब एक ऐसा डेट तलाश कर रहे हैं जब उनके फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेशन भी मिल जाए और उन्हें सलमान के साथ टकराना भी ना पड़े। हालांकि इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया गया है। वैसे बैटमैन अब कब रिलीज होती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अब टाइगर जिंदा है के लिए तो फैंस की एक्साइटमेंट थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे में फैंस की और भी ज्यादा बेचैन करने के लिए मेकर्स ने इस फिल्म का पहला हिप हॉप ट्रैक स्वैग से करेंगे सबका स्वागत को लॉन्च कर दिया है। अब ये तो हम सबको पता ही है कि सलमान और कैटरीना की जोड़ी के फैंस कितने दीवाने हैं। ऐसे में इंडिया में तो स्वैग से स्वागत को यूट्यूब के ट्रेंडिंग लिस्ट में फर्स्ट पोजिशन पर होना ही था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस गाने को लेकर सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्साइटमेंट बरकरार है। जी हाँ, ना सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोबल ट्रेंडिंग लिस्ट में भी स्वैग से स्वागत है शामिल। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है? क्या आपने ये गाना अभी तक सुना? हमें अपने विचार बताइए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब करिए बॉलीवुड स्पाई को। क्या ये अभी भी जिक्र की गुंजाइश रखती है कि पूरा देश इन दिनों टाइगर जिंदा है के बुखार से गुजर रहा है? शायद नहीं। और तभी तो IFFI गोवा के मंच पर भी दिखेगा टाइगर और जोया का जलवा। वेल, सुपरस्टार शाहरुख खान ने गोवा में IFFI को इनॉग्रेट किया था, पर इसकी कर्टन डाउन सेरेमनी होगी सलमान और कैटरीना के साथ। जी हाँ, IFFI गोवा के कर्टन डाउन सेरेमनी पर सलमान और कैट अपने धुआंधार परफॉर्मेंस से सभी के होश उड़ाते दिखाई देंगे। सिर्फ यही नहीं, इस दिन सिद्धार्थ मल्होत्रा भी अपने परफॉर्मेंस से सभी की धड़कनें चुराने के लिए है तैयार। वैसे इस स्टार स्टार्ट परफॉर्मेंस के बारे में सुनकर ही होश संभालना थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। बता दे, इन्हीं सितारों से भारी परफॉर्मेंस के साथ IFFI इस साल और भी बड़ी और बेहतरीन होने वाली है, और साथ में सलमान और कैटरीना की परफॉर्मेंस तो जैसे किसी भी बॉलीवुड फैन के लिए डबल बनानजा है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी मसालेदार फिल्मी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई। वरुण धवन को सेल्फी खींचना पड़ गया है महंगा। जी हाँ, जब एक टिपिकल बॉलीवुड हीरो की तरह कार के विंडो से झांककर उन्होंने अपने फैन के साथ मुंबई की सड़क पर सेल्फी ली तो उनकी फैन तो जरूर खुशी से पागल हो गई होंगी। लेकिन वरुण ने मुंबई पुलिस को जरूर अपसेट कर दिया। बस फिर क्या था, मुंबई पुलिस ने लगा दी वरुण धवन की क्लास, और वो भी ट्विटर पर। जी हाँ, मुंबई पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने वरुण की सेल्फी लेते हुए एक पिक्चर पोस्ट है और वरुण को टैग करते हुए लिखा कि वरुण, हम आप जैसे रिस्पॉन्सिबल मुंबईकर और एक यूथ आइकन से काफी ज्यादा उम्मीदें करते हैं। ऐसा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आपको सूट नहीं करता। एक ई चालान आपको भेजा जा रहा है, लेकिन अगली बार से हम और सख्त होंगे। वेल, उम्मीद है कि वरुण अपनी गलती फिर से नहीं दोहराएंगे। क्यों है ना दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है हमें अपने सुझाव नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में बताइए। बॉलीवुड के दबंग खान रेस 3 के साथ अपना विलन वाला डेब्यू करने जा रहे हैं, और खबरों का बाजार गरम है कि सिर्फ रेस 3 में ही नहीं बल्कि धूम 4 में भी विलन का किरदार शायद सलमान ही प्ले करेंगे। लेकिन लगता है सलमान खान के इस विलन अवतार को क्रिश फो का विलन खा जाएगा। जी हाँ, क्रिश फो की स्टार कास्ट अभी से ही धूम मचा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि क्रिश फो के विलन के रोल के लिए इस बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अप्रोच किया गया है, और उन्होंने हाँ भी कर दी है। गौरतलब है कि जिस तरह नवाजुद्दीन अपनी बेहतरीन कलाकारी से किक और बजरंगी भाईजान में सलमान खान को खा गए थे, ठीक उसी तरह इस बार भी वो सलमान पर भारी पड़ सकते हैं। आफ्टर ऑल, सलमान तो पहली बार विलन बनेंगे, और ऐसे में नवाजुद्दीन जैसे एक्टर को टक्कर देना काफी मुश्किल हो सकता है।
तो दोस्तों इस बारे में आप अपनी राय और सुझाव हमें जरूर बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई और जूही के साथ बने रहें। पद्मावती कंट्रोवर्सी में आया एक नया मोड़। वेल, पिछले कुछ दिनों से ही चल रहे विवादों के बाद अब लगता है इस फिल्म के मेकर्स के लिए आई है फाइनली एक राहत की खबर। जी हाँ, पद्मावती के रिलीज पर बैन की मांग करने वाली करणी सेना ने रखी है एक नई शर्त। हाल ही में करणी सेना चीफ ने बताया, अगर संजय लीला भंसाली उन्हें पद्मावती नहीं दिखा सकते तो वो मेवाड़ की रॉयल फैमिली के लिए इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखें। अगर वो कोई आपत्ति नहीं जाहिर करते तो इस फिल्म के रिलीज में कोई अड़चन नहीं आएगी। यानी अब तक जो इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे थे, अब वो भी इस फिल्म के खिलाफ नहीं रहे। बता दें, संजय लीला भंसाली पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाने का आरोप लगाया जा रहा है और इसी कारण इस पीरियडिकल ड्रामा के खिलाफ देश भर में मोर्चाएं निकाले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से रॉयल मेवाड़ फैमिली के लिए कोई भी स्पेशल स्क्रीनिंग की बात सामने नहीं आई है। तो दोस्तों इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने सुझाव और राय हमें जरूर बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई और जूही के साथ बने रहें।